हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज अंकिता सूद सो पेपर में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवॉमेंट यूनिट के लिए टॉप फिफ्टी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज से हम शुरू करने वाले हैं जिसका ये पार्ट वन है इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज इट इज भी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन और आंसर्स के साथ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ईजिली एग्जाम में करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है सो so, इसी के साथ

जोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था तो ए को हम थर्ड से मैच करेंगे ये दो ऑप्शंस में ए को थर्ड से मैच नहीं किया गया है तो इनको हम कट कर देते हैं आगे है रियो सबमिट सो रियो सबमिट 1992 नाएंटी में बनाया गया है यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शन बी जो है वो दोनों में सेम है एंड रियो सबमिट आप लोगों को मैं बता दू इसका दूसरा नाम यू -e है मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये भी आप लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब चीजों के लिए बनाया गया है तीसरा प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में बनाया गया था एंड बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल को बनाया गया था सो so, सी को हम मैच करते हैं फोर्थ से ऑप्शन नंबर वन में हम पहुंच चुके हैं और लास्ट ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड पेरिस एग्रीमेंट आपको बता दूं कि ये में इसको डिसाइड किया गया था एंड क्लाइमेट चेंज के लिए पेरिस एग्रीमेंट बनाया गया था क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए इसको याद रखने का तरीका ये भी है कि पेरिस का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है तो पेरिस यानी कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसका न्यू बैच फर्स्ट अगस्त से स्टार्ट होने वाला है इस बैच की खास बात यह है कि डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा साथ ही आपकी बहुत अच्छे से लाइव सेशंस में रिवीजन भी हो जाएगी जो भी क्लासेस रहते हैं उनके पीडीएफ भी आपको मिलते रहेंगे ताकि नोट्स बनाने का समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे साथ ही स्टूडेंट्स ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा यहाँ पर आप लोगों को बहुत से फ्री मॉक टेस्ट और वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल ये कोर्स है स्टोर पर क्लिक करिए यहाँ पर आप डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे इस कोर्स की एक को और खास बात है कि अगर आपका टारगेट दिसंबर 2024 के साथ साथ जून 2025 है तो भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वन ईयर की वैलिडिटी हम इसमें आपको देने वाले हैं एक ही बार आपको एनरोल होना है आगे कंटेंट पर जाकर आपको पूरे कोर्स का ओवरव्यू भी मिल जाएगा आप इसको जरूर ट्राई करिए एंड कोई भी डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट आपको करना है वट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर ऑफ दीमेंट सबमिट एंड प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट दिए हैं आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेन्ज करना है सबसे पहले पुराना आएगा उसके बाद सबसे एंड में सबसे नया प्रोटोकॉल आएगा सेम चीज थी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ी देखिए थोड़ा सा सेम क्वेश्चन बस घुमाकर पूछा गया है राइट सो वहां पर भी हमने पढ़ा था पैरिस एग्रीमेंट टू थाउजेंड फिफ्टीन मोन्ट्रियाल प्रोटोकॉल नाइनटीन एटी सेवनो प्रोटोकॉल नाइनटीन नाइन सेवन एंड रियो सबमिट नाइनटीन नाइनटी टू तो आप देख सकते हो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा ए आएगा दैट इज पैरिस एग्रीमेंट सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ओके सेम क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है इसलिए आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है दो स्टेटमेंट्स दी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन एक में बोला है कि लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर ओके सो ये बिल्कुल सही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 2015 से एक सोलर एनर्जी को यू, रीयूज करने के लिए बनाया गया अलायंस है इसका विजन यही है कि हम मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएंगे और स्टेटमेंट टू बोलती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन क्या है एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव लाइट एट होम ठीक है तो सोलर मिशन का यही है कि जहां पर वैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है वहां पर हम सोलर लाइट्स को यूज कर सकते हैं तो इनका मिशन ये है कि चाहे कितना भी दूर आपका घर है कहीं भी आपका घर है हर घर में बिजली पहुंचाई जाएगी तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है विच ऑफ यू फॉलोइंग इज एन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड

ठीक है आपको पता ही होगा ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल भी बन चुका है और ऐसे ही ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है ये सब गैसेज हैं इनके नाम एज इट इज नोट कर लो पेपर में सेम क्वेश्चन इन ऑप्शन के साथ पूछा जा सकता है सेक्ट्रिएट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इज सिचुएटेड इन सो आपसे सीबीडी पूछा है ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पेपर में आया है स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा गया है पहले कि सेक्रेट्रियट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है ये है मॉन्ट्रियल कैनेडा में ओके okay, सो so इसको एज इट इज याद रखना है विच ऑफ देशर्ड इन डॉपसन यूनिट सो डॉपन यूनिट से हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को मेजर करते हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो होता है भूकंप जो होता है भूकंप को मेजर करने के लिए कौन सा भूकंप को हम कैसे कर सकते हैं ठीक है ये भी पूछा जा सकता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पेपर में आ चुका है विच अमंग आर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज सो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं इनमें से सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड एच टू वॉटर पेपर सी एच फोर मिथेन ओ थ्री ओजोन या फिर सी एफ सी दैट इज क्लोरोबन सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो सीओ टू भी होती है देन एच टू ओ भी है सी एच फोर भी है और क्लोरो फ्लोरो कार्बन भी है राइट सो करेक्ट आंसर है ए बी सी एंड ई दैट इज ऑप्शन नंबर फोर ओके okay, सो so आप लोगों को एग्जाम के लिए भी मैं बता देती हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेस में जो भी गैसेस इंक्लूडेड हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए ठीक है उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा इनको अरेंज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए और ग्रीन हाउस गैसेस को आ, के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है वैसे ही और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्लेसेज है ये बोल रहा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं पूरी तरह से विकसित हो चुकी हैं सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं वही इसका पार्ट है और उन पर बहुत ज्यादा बर्डन है क्या करने का उन पर बहुत ज्यादा बर्डन है ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने का तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो अभी विकसित हो रही हैं ठीक है थीके? दोनों ही इंक्लूडेड हैं तो ऑप्शन नंबर वन गलत है ऑप्शन टू बोल रहा है कि ओटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विद यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि Kyoto Protocol जो है वो यू एन एफ सी 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 दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन बोला जाता है इसी का एक पार्ट है इसी के अंडर आता है क्योटो प्रोटोकॉल तो ये बेसिक सी चीजें हैं फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपने मेरे अः थ्योरी प्रोटोकॉल वाले वीडियो की देखी होगी तो आपको ये जरूर आता होगा ओके okay? सो so, ये है इसका सही उत्तर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स और क्यों फॉल्स हैं इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर प्रोटोकॉल्स वाली थियरी वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं तो आप मुझे बता दीजिए मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन लेकिन कई बार एज इट इज पूछा जा सकता है फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल दैट इज पीईसी सोलर सेल्स आर बेस्ड ऑन सो दीस सेल्स आर बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स एंड एन इलेक्ट्रोलाइट एज इट इज याद रखिए ज्यादा इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म इजेशन पॉइंट आर वट सो वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉइंट क्या होते हैं सबसे पहले आपको यह बताती हूं स्टूडेंट वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉइंट्स क्या होते हैं जो ये है एक बेसिकली नेचुरल ट्रीटमेंट होता है क्या होता है नेचुरल ट्रीटमेंट होता है किसका वेस्ट वॉटर जो होता है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होता है ये ओके दे कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पॉन्ड्स वेयर वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड थ्रू वेरियस फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सो इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं इसके अंदर ये बेसिकली ऑक्सीडाइजेशन पॉन्ड्स भी होते हैं ओके okay? ऑक्सीडाइजेशन पॉन्ड्स को एरोबिक पॉन्ड्स या फिर मेच्यूरेशन पॉन्ड्स भी बोला जाता है एंड वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पॉन्ड का ये बहुत कॉमन टाइप होता है सो so, ए तो ऑप्शन में आएगा ही ये तो ऑप्शन हम गलत कर देते हैं सेकेंड भी देखिए इन दोनों ये दो ऑप्शन बचे हैं ए एंड सी इसमें सेकेंड भी है तो सेकंड भी करेक्ट होगा यूज टू रिमूव पैथेगिन एंड ऑर्गेनिक कंटेंट्स बिल्कुल सही है और तीसरा ऑप्शन आता है नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बताया कि ये नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है ओके okay, तो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर वन दैट इज वन टू एंड थ्री ओनली सो ये मार्च uh, 2023 ट्वेंटी नेट में पेपर एज इट इज ये क्वेश्चन आया था और आगे भी अगर पूछा जाएगा तो यही सब चीजें घुमाकर पूछी जाएंगी एक्स्ट्रा और कुछ नहीं आएगा ठीक है सो so, इसी के साथ स्टूडेंट्स सेशन को एंड करते हैं मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा थैंक यू सो मच एवरी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट